أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون معزز علماء كرام بوزرغو और दीनी भाइयों और परदा नशीन खुतिन इस्लाम आज की इस इजलास में जो कि इस्लामी तर्ज जिंदगी के मरकजी उनवान के तहत मुनद किया जा रहा है मुझे जिस उनवान पर इजहार ख्याल करना है या गुफ्तु करनी है वह उनवान है दीनी जिंदगी के फवाद इस का सीधा मतलब और उसका मफहूम यह है जिंदगी को अल्लाह की बंदगी में गुजारने में हमारा क्या फायदा है हाजी ने गिरामी, एक मुसलमान की हैसियत से हम सब ये बात जानते हैं कि हम अल्लाह तबार को ताला के बंदे हैं और अल्लाह की बंदगी ही के लिए अल्लाह ने हम और आपको इस दुनिया में पैदा किया है खुदबात में दुरूस में हती के आपसी गुफ्तु में भी हम और आप ये बात सुनते हैं कहते हैं कि जिंदगी का मकसद अल्लाह तबारक वाली की बंदगी है ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो एक मुसलमान को मालूम न हो एक मुसलमान इससे वाकिफ ना हो उसे पता न हो ऐसा कोई मसला नहीं है हर मुसलमान तकरीबन ये बात जानता है कि हमारी इस दुनिया में हमारी रहायश वकती है हमारी ये जिंदगी आखिरत की खेती के लिए है हम इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए हैं हम आखिरत के लिए बनाए गए भेजे गए इस दुनिया के अंदर ये इतनी बुनियादी बात है इतना बुनियादी मसला है कि हर आदमी यह बात जानता है लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि यह बात जानने के बावजूद मानने के बावजूद हमें की एक बड़ी तादाद या में से सभी कभी ना कभी बंदगी के रास्ते से हट जाते हैं हम अल्लाह तबारक की बंदगी से पीछे रह जाते हैं अल्लाह तबारकाल की बंदगी का जो तकाजा है उन तकाजों को पूरा करने के बजाय दूसरी ही बातों की तरफ दूसरे ही पहलुओं की तरफ हम और आप चले जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्यों हम और आप जब जानते हैं कि हमारी इस दुनिया के अंदर आने से लेकर वापस जाने तक की तमाम जरूरियात और आखिरत में भी अल्लाह आखिरत में भी मैदान महशर में अल्लाह तबारक के सामने हादरी से लेकर आखिरी फैसले का सामना करने तक हम अल्लाह तबारक ही के बंदे हैं और उसके बाद भी उसी की बंदगी का फल हम और आपको मिलने वाला है ये जानने के बाद मानने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि हम और आप बंदगी के रास्ते से हट जाते हैं? हमारी और आपकी जिंदगी अल्लाह तबारकाल की बंदगी में क्यों नहीं गुजर पाती अगर हम इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछना चाहें हम अपने नफ्स में अपने आप में इसका जवाब तलाश करना चाहें तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह समझ में आती है कि हमारा और आपका नफ्स अक्सर हमें यह धोखे में मुबतला रख ये धोखा देता है इस धोखे में मुबतला रखता है कि अल्लाह तबारक की बंदगी करना मुश्किल है अल्लाह तबारक के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल है या फिर इस तरह जिंदगी अगर गुजारेंगे तो दुनिया बेमज़ा हो जाएगी जिंदगी बे हो जाएगी इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं, उनसे कमा हक कहो हम फायदा नहीं उठा पाएंगे यूं समझिए कि अलग अलग अल्फाज होंगे अलग अलग जवाब होंगे कुल मिलाकर अगर हम देखना चाहें तो एक ही बात समझ में आती है वो ये कि कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिलो दिमाग में ये बात आ जाती है कि एक चीज हमें चाहिए एक फायदा हमें चाहिए और वो फायदा बंदगी में नहीं बंदगी के रास्ते से हटकर कभी नफ्स की पैरवी करने कभी शैतान के नक्शे कदम पर चलने कभी दुनिया की उसकी लज्जतों में खो जाने ही में फायदा है। ये हमारे और आप के को दिया जाने वाला वो धोखा है जो धोखा कभी हम खुद अपने आप को देते हैं कभी ये दुनिया और दुनिया की रंगीनियां हम और आपको देती है और कभी शैतान हमारे और आपके नफ्स में वसवसे की शक्ल में इस धोखे को डालने में कामयाब हो जाता है भाइयों आज इसीलिए इस बुनियादी सवाल को या इस बुनियादी मसले को हम और आप किसी हद तक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दीनी जिंदगी जीना दीन पर अमल करते हुए जीना इसमें नुकसान है हमारा क्या इसमें हमारा घाटा है या फिर यह कि दीनी जिंदगी जीने में हमारा फायदा ही फायदा है इसमें हमारा और आपका कोई नुकसान नहीं है ये दोनों में से सच्चाई क्या है हकीकत क्या है इस मसले को आज हम समझने की कोशिश करते हैं इसलिए कि जब इंसान को यह समझ में आ जाए कि इसमें मेरा फायदा ही है तो इंसान तो मफाद परस्त वैसे ही है ना आज आप बताओ हम सब मफाद परस्त किसी को आखिरत का मफाद अजीज है तो दुनिया के मफादात में वो कमजोर हो जाता है आखिरत के मफाद को तरजीह देता है और अगर आखिरत का मफाद अजीज ना रखें तो दुनिया के मफादात की खातिर इंसान सब करता है रिश्ते नातों को निभाता भी बसा औकात मफाद के लिए है और उनसे दूरी बनाता भी मफाद के लिए है इंसान पैसा कमाता भी मफाद ही के लिए और कभी कभार अपना पैसा लुटाता भी मफाद ही के लिए इस दुनिया के अंदर एक इंसान के अंदर कम अज कम यह चीज है कि वह अपना फायदा सोचता जरूर है और अगर हम वाकई मानों में मफाद परस्त हैं हम वाकई मानों में मफाद परस्त हैं तो इस्लामी शरीयत मुझको और आपको कैसा मफाद परस्त देखना चाहती हम अपना फायदा देखने वाले अपना फायदा सोचने वाले अपने फायदे की खातिर जीने वाले और अपने ही फायदे की खातिर मरने के लिए तैयार रहने वाले अगर वाकई हैं तो इस्लाम हम और आपको क्या सिखाता है वो कौन सा फायदा है कि जिसके लिए हम और आपको सारे मुआमलात को उस फायदे की खातिर कुर्बान भी करने चाहिए या अपनाने भी चाहिए वो कौन सा फायदा है और ऐसे मफादात कौन से अल्लाह ने दीन से वाबस्ता करके रखे हैं कि उनको अगर आदमी समझ ले तो फिर हमारी और आपकी जिंदगी दीन के रंग में रंग जाए बंदगी के रंग में रंग जाए हम अल्लाह ताला के बंदे बन बंद जाए अल्लाह ताला की बंदगी से पीछे ना रहें आप यकीन करें ये वो बुनियादी सवाल है जिसे आज की नौजवान नस्ल को समझने समझाने की बेानतहा जरूरत है वजह क्या है हम लाइल हैं हम ना समझ हैं हमारी तरबियत में कमी है हमारे और आपके समाज और माशरे में बुराई का बदी का गलबा है हमारे और आपके समाज में नेक लोगों को जो एहतराम जो तकदस जो मुकाम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है इसी वजह से नेक लोग नेकी के काम और नेक कामों में जो मिलने वाली रगबत है ये दिन ब दिन समाज के लोगों के अंदर कमजोर से कमजोर पड़ती जा रही है आज के नौजवान के लिए जिंदगी के अंदर जो अट्रैक्शन है जो कशिश है जो नौजवान को अपनी तरफ माइल करती है वो नेकी की या अच्छाई की या खूबियों की या अच्छे अखलाक की वो चमक दमक नहीं है जो एक इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखी है एक इंसान की शराफत में रखी है एक इंसान को अल्लाह तबारक ने जिस फितरत पर पैदा किया आज इंसानों में की एक बड़ी तादाद उससे हटती चली गई नतीजा क्या है आज आप एक नौजवान से यह बात बड़ी आसानी के साथ वो अपने अल्फाज में साफ तौर पे ना कहे लेकिन आप उससे गुफ्तगु करके देखिए कि हर नौजवान लड़के और लड़की और अब तो नौजवान तो क्या बड़े बुजुर्ग तक इस बीमारी का शिकार है उनको यह लगता है कि भाई देखो जिंदगी में अगर आपको अच्छी जिंदगी जीना है कहीं ना कहीं दीन से थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा पकड़ कर नहीं चल सकते आप ये जुमले कहते पकड़ कर नहीं चल सकते थोड़ा बहुत ढील देना चाहिए आपको आप अगर मजबूती से पकड़ेंगे इस समाज में नहीं चल पाएंगे इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना आना चाहिए ये ये क्या है दरअसल वही मिजाज है वही सोच है वही हमारे और आपके समाज का हमारे घर बार का खानदान कबीले का और खुद हमारे अपने नफ्सों का वो माहौल है कि जिसमें चलते चलते पनपते पनपते एक आसान दीन को हमने अपने आप पर मुश्किल बना लिया है एक आसान दीन को हमने मुश्किल समझ लिया है और एक ऐसा दीन जिसमें हमारे और आपके दुनिया और आखिरत दोनों जगह के फवाइद अल्लाह ताला ने रखे उनको हमने अपने हक अपने हक में जुजवी तौर पर नुकसानदेह समझना शुरू कर दिया है भाइयों आज इसीलिए मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए यह बात याद रखिए यह दीन अल्लाह तबार को का दिया हुआ और जिस रब ने यह दीन दिया है उसी रब ने हम और आपको पैदा भी किया है और उसी रब की यह दुनिया बनाई हुई है बसाई हुई है। इस दुनिया के अंदर के हर खैर शर का खालिक मालिक वही अल्लाह तबारको ताला है और जब उसने इस कायनात को पैदा किया और हम और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है और इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आखिरत में कामयाबी से हम किनार होने के लिए इन दोनों ही मुकाम पर कामयाबी के लिए दीन से वाबस्तगी को जरूरी करार दिया है तो फिर इस दीन से वाबस्तगी में मेरा और आपका फायदा ही फायदा है इसमें नुकसान नहीं हो सकता इस मसले की वजहत आपके सामने कई हवालों से करना चाहूंगा लेकिन आप यह बुनियादी मसला समझें कि हमारा फायदा ही फायदा हाँ नुकसान जो हमको नजर आता है वो क्या है

कामयाब हो गए ईमान वाले कहा अल्लाह ताला तला ने नेकमफली मुफ्लिहून कहा वो लोग कामयाब हो गए कहा इन हुम मुहसिनून कहा अल्लाह ताला साथ है तकवे वालों के अल्लाह तबारक वाल साथ है अमल में एहसान के दर्जे तक पहुंचने वालों के अल्लाह तबारक वाले ने कहा इन असाबरीन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक वाली है वो दीन के मामलात हों के वो दुनिया के मामलात हों हर दो जगह अल्लाह तबारक की शरीय की पाबंदी करने वालों के लिए अल्लाह तबारक ने बशारतें ही बशारतें दी हैं खुशखबरियां ही खुशखबरियां दी हैं और दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो अल्लाह तबारक ने फवाइद ही फवायद गिनाए हैं वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि इस उनवान को पूरी तफसीलात जुजियात और बारीकियों के साथ रखा जाए लेकिन मैं ये बात जरूर आज आपके सामने कहना चाहूंगा कि जरा हम और आप एक मुसलमान की हैसियत से इस नाही से सोचने की गौर विक्र करने की आदत डालना शुरू करें तो हमारी मुसलमानों की जो जिंदगी है अगर इस्लामी तरह से जिंदगी बन जाए तो यह जिंदगी के सुबह और शाम खुद हम और आपको बताएंगे कि इस्लाम के अंदर अल्लाह व तआला ने कितने फायदे मेरे और आपके लिए रखे हैं भाइयों मैं बतौर नमूना चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद फिर आपके सामने मैं अलग अलग किस्म अलग अलग हवालों से यह बताना चाहता हूं कि इस दीन पे अमल करने में हमारा फायदा है भाइयों देखो इंसान को अल्लाह तला ने बड़ा समझदार बनाया इंसान को अल्लाह ने बड़ा समझदार बनाया बड़ी सलाहियतों वाला बनाया दूसरी मखलूकत के मुकाबले में बड़ी खूबियों वाला बनाया पत्थर लोहा आग पानी हवा ऐसी कितनी मखलूकत हैं जो बजाहिर इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं लेकिन अल्लाह तबारक ने इंसान को बजाहिर उनके मुकाबले में कमजोर बनाकर भी इंसान को वह समझ बूझ अता की कि इसी समझ बूझ के सहारे इन सारी ताकतवर चीजों पर इंसान हुकूमत करता है इनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है अब इस दुनिया की सच्चाई क्या है एक बंदा एक मुसलमान की हैसियत से जब अल्लाह तबारक की तोहिद का कायल होता है तो दुनिया की हर ताकतवर चीज को अपने से कमजोर ही समझता है इसलिए कि उसे पता है कि मैं जब अल्लाह ताला का बंदा हूं तो मेरे पास वो ताकत है कि इस दुनिया की हर चीज मेरे सामने कमजोर है लेकिन वही आप ये बात देखो ये गैर मुस्लिम दुनिया में समझदार भी होगा पढ़ा लिखा भी होगा बहुत ज्यादा बजाहिर ताकतवर होगा बहुत बड़ा हुक्मरान भी होगा सब कुछ होगा लेकिन अपने आप को कभी किसी पत्थर के सामने कभी किसी जानवर के सामने कभी किसी जिंदा कभी किसी मुर्दा कभी किसी जानदार कभी किसी बेजान चीज के सामने सर झुकाकर उसके सामने अपनी पेशानी रगड़कर ऐसे अपने आप को जलील करेगा इतना ज्यादा अपने आप को झुका लेगा कि खुद अपने हाथों अपनी जिल्लत का सौदा करेगा भाइयों ये मामूलात जिंदगी की एक मिसाल में आपके सामने दे रहा हूं एक और मिसाल आप देखें इस्लामी से जिंदगी अगर हम और आप जिए दीनी जिंदगी अगर हम और आप जिए इस्लामी शरीयत हम और आपको तहारत के वो आदाब सिखलाती है कि अपनी जबान से कर, अपनी से से ले से लेकर 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 शर्मगाह अपने जिस्म से कर, अपना सर अपने बाल अपना चेहरा अपना मुंह इन सब चीजों की पाकी सफाई वाली ऐसी जिंदगी उसे मिलेगी कि हर इंसान उसके साथ रहना पसंद करेगा उसके साथ चलना फिरना पसंद करेगा इस्लामी तर्ज जिंदगी हो तो इंसान एक पाक और साफ इंसान है उसका बिदात से पाक है शिरक से पाक है गुनाहों की मोहब्बत से पाक है सब चीजों से पाक है तो उसका जाहिर हर किस्म की गंदगी से पाक होगा शर्त यह कि इस्लामी तर से जिंदगी गुजार सके लेकिन आप वहीं इस दुनिया की अलग अलग कौमों को देखो अलग अलग कौमों को देखो कुछ तो कौमें ऐसी हैं अल्लाह के दीन से दूर होने के नतीजे में उनके सरता पाक किसी चीज के अंदर पाकी का कोई तस्वर आपको नहीं मिलेगा कुछ लोग वो मिलेंगे जो बजाहिर अपने जिसम अपने लिबास में बड़े ठीक ठाक पाक साफ बने नजर आएंगे लेकिन अपनी पाकी सफाई जो तहारत से मुताल है अपनी शर्मगाहों की पाकि का मसला है उस मामले में वो लोग नापाक के नापाक ही नजर आएंगे भाइयों मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी मिसालें इस हवाले से देना चाहता हूं कि एक मुसलमान की हैसियत से खुद अगर हम अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात की रोशनी में ढालते चले जाएं और खुद का मुहासबा करते जाएं हमारी हर सुबह हमें बताएगी कि दीन हमें कितना महजब बना रहा है हमारी हर शाम हमें सिखाएगी कि दीन हमें कितना पाको साफ बना रहा है हमारा हर मामला हमें बताएगा कि हम अपने गुस्से में अपने जज्बात में अपनी गुफ्तु में अपने मामलात में कितने पाक हैं कितने साफ हैं कितने शफाफ हैं हती के जो इंसान इस जैसे इंसान को देखता है उससे मोहब्बत किए बिना नहीं रहता उसके साथ मामलात करने में खुशी महसूस करता है उसके साथ दोस्ती करने ताल्लुक बढ़ाने में वो इंसान एक किस्म का इतमान महसूस करता है भाइयों एक आद मिसाल मैंने सिर्फ बतौर नमूना रखी ताकि आप मैं अपनी सुबह शाम का जायजा लें तो यह सुबह शाम खुद हमें बताएं कि इस्लाम जो दीन हम और आपको दिया गया है यह दीन हमें संवारता है हमें बनाता है हमारी तरबीयत करता है हमें पाक करता है हमारी दुनिया के अंदर इतने फायदे हमें देता है कि इस दीन से दस बरदार होकर उतने फायदे ब एक वक्त अपनी जिंदगी में लाना हमारे और आपके लिए शायद मुमकिन ना हो भाइयों मैंने यह बात सबसे पहले क्यों आपके सामने कही इसलिए कि कुरान और सुन्नत के आयात और अहादीस के हवालों से जो फायदे नजर आते हैं बासा औकात इल्म की कमी की वजह से इंसान उनको नहीं समझ पाता है लेकिन अगर इंसान अल्लाह तला की नमतों का जायजा लेने का आदि हो जाए अपनी जिंदगी का जायजा लेने का आदि हो जाए तो इंसान की सुबह शाम खुद उसे बताएंगी कि दीन पे अमल करने का उसे कितना फायदा हो रहा है उसकी जिंदगी में कितना असर उसका नजर आ रहा है इसीलिए आप अगर बेदीनी की जिंदगी जी रहे हैं आप तजर्बा करने के लिए सही एक महीना एक साल भर के लिए दीनी जिंदगी गुजार कर देखिए आपकी पिछली जिंदगी और इस एक साल जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आपको नजर आएगा खुद आप तजरबा करके देखें ये दीन अपने आप को आजमा कर देखने का अपने आप पे तजर्बा करके देखना है अपने आप को सुधरते सवरते देखने का है सुबह आपको पता है आपको पता है हजरत नजाशी के दरबार में जिस वक्त साहब कराम के खिलाफ मक्का के मुशरकिन के नुमाइंदे दो सरदार पहुंचकर शिकायत करते हैं शिकायत यह करते हैं कि यह हमारे अपने कौम के कुछ लोग हैं कौम से बगावत करके भाग कर आए तुम्हारे पास पना लिए हुए हैं हम चाहते हैं कि तुम इन्हें वापस भेज दो मुसलमानों ने अपनी नुमाइंदगी के लिए हजरत जाफर तैयार जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तैन को मंतख फरमाया था उस वक्त हजरत जाफर इब ने अभी तालिब रजी अल्लाह तैन ने जो गुफ्तगु की और इसी तरह रस्तुम के दरबार में हजरत रिपीब ने आमिर रहत रजियल्हन ने जो बात कही इन दोनों वाकियात में अगर आप देखें उन्होंने यही तो बताया है कि जमाने जाहिलियत में हम कैसे थे जमाने जाहिलियत में हमारे मामला कैसे थे जमाने जाहिलियत में हमारी अपनी जिंदगी कैसी थी इस्लाम आने के बाद कितना बड़ा खैर हमें खुद अपनी जिंदगी में नजर आता है उन्होंने अपने आप की जिंदगी में जो आजमाया था देखा था वही खैर तो दुनिया वालों के सामने पेश किया और आज असल में एक मुसलमान की हैसियत से इस्लाम को इस तरह शुरूरी तौर पर अपनी जिंदगी में अपना कर और इस्लाम के जो फायदे जो समारात जो असरात हमें खुद अपनी जिंदगी पर नजर आते हैं उनको महसूस करने की जरूरत है भाइयों वो बुनियादी बातें हैं जिनकी तरफ हम और आपको तोज्जो देनी चाहिए आइए मैं आपको कुरान सुन्नत के बाद दलाइल और हवालों की रोशनी में यह बात बताने की कोशिश करता हूं कि दीनी दीनी जिंदगी जीने के कैसे बड़े बड़े फायदे हम और आपको मिलते हैं सबसे पहला फायदा जो कुरन सुन्नत के हवाले से आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये कि भाइयों देखो एक बंदा अगर दीनी जिंदगी जीने लगता है तो वह वो बंदा अपने मकसद से जुड़ा हुआ बंदा याद रखो जिंदगी की कदरों कीमत उसी वक्त तक है जब तक वह अपने मकसद को पूरा करने में लगी रहे आप दुनिया के किसी भी मैदान में देख लें जिस मकसद के लिए उस आदमी को रखा गया उस मकसद को वह पूरा कर रहा है तो फिर वह आदमी बड़ा मिसाली समझा जाता है आपने नौकर रखा है जिस काम के लिए रखा है वह नौकरी ब अंजाम देता है आप उससे खुश होते हैं कहते हैं बड़ा मिसाली नौकर है कि यह अपनी जिम्मेदारी को समझता है और भरपूर तरीके से निभाता है आप सफर कर रहे हैं आपका सफर एक मंजिल तक है अगर आप अपनी मंजिल से जुड़े हुए और सफर उसी तरफ करते जा रहे आपके सफर को सफर कहा जाता है मंजिल भूल गए गाड़ी लेके सवारी लेके निकल गए दुनिया वाले कहते हैं यह राह भटका हुआ मुसाफिर है यह मुसाफिर ही नहीं ये खां खा इधर से उधर भटकता हुआ इंसान है भाइयों दीनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबसे पहला सबसे अहम फायदा यह है कि हम और आप दीनी जिंदगी जीकर अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करते हैं। ये सारी कायनात इस कायनात के सारा हसन ज़माल, इस कायनात की सारी नेमतें, सारी दौलतें इस कायनात में हमारे और आपके रोजे मर्रा के मामला और मामूलात, इन सबकी कदर व कीमत उसी वक्त है जब ये हमारे और आपकी जिंदगी के मकसद को पूरा करें याद रखें जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी है। जिंदगी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि हम और आप अल्लाह ताला के बंदे बन जाएं बंदगी में हम और आप पूरे हो जाएं हमारी और आपकी जिंदगी में हम कामयाब ताजिर बने कामयाबी है हम और आप एक कामयाब मां बाप बन पाए बड़ी कामयाबी है हम और आप एक कामयाब लीडर किसी मुकामी सतह पर या किसी जमात कहीं भी बन गए कामयाब हैं हम लेकिन इन सब कामयाबियों से बड़ी हकीकी कामयाबी यह है कि हम अल्लाह तबारक के बंदे बन जाएं अल्लाह तबारक की बंदगी में कमाल के दर्जे को पहुंचे आप देखो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े बड़े अलकाब से और अलग अलग अलकाब से याद किया कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा अलग अलग मौकों पर अलग अलग हैसियतों से किया आप पंद्रहवें पारे को अगर पढ़कर देखें अल्लाह तबारक ने सुर इसरा या सुर बनी इसराइल की शुरुआत की और दूसरी सूरत उसी पारे में सूर्य कहफ की शुरुआत की पहली सूरत में अल्लाह ताला ने इसराओ में राज के वाक्य का तस्करा किया जो अल्लाह के नबी नबीम को दिया गया अल्लाह का तोहफा था दूसरी सूरत की इब्तदा में अल्लाह ताला ने कुरने मजीद के नुजूल का तस्करा किया वो खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा बहुत बड़ा इनाम था जब इन दोनों मौकों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरा करना हुआ तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को किस नाम से याद किया किस लकब से याद किया किस सिफत से याद किया अगर आप देखें अल्लाह ने फरमाया पाक है वो जात जो अपने बंदे को असरा ब्यादी जो अपने बंदे को रात में लेकर गया वो जात वो रब पाक है जो अपने बंदे को रात में लेकर गया अपने नबी को भी कह सकता था अल्लाह तो नबी के मोहम्मद को भी कह सकता था यहां अल्लाह ताला ने ते आप ही कहा यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज का मुकाम है यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाजे जाने का मुकाम है और यहां अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की सिफत का इंतखाब किया तो इसी बंदगी वाली सिफत का इंतखाब किया यह बताने के लिए भी कि याद रखना एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा कमाल क्या है कि वो अल्लाह तबारकाल का बंदा बन जाए भाइयों दीनी जिंदगी गुजारने का सीधा सीधा फायदा यह है कि हम कामयाब इंसान दीनी जिंदगी हम गुजारें हम कामयाब हो गए इसलिए कि हमने अपने मकसद को पहचान लिया है और मकसद को हम पूरे करते चले जा रहे हैं अल्लाह की बंदगी में जिंदगी का गुजरना जिंदगी का सबसे बड़ा कमाल है जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है और इस दुनिया के अंदर भी हमारा और आपका सबसे बड़ा सरमाया है और आखिरत में कामयाबी के लिए सबसे बड़ा सहारा है अल्लाह तबारक की बंदगी से हम और आप वाकई मानों में अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब होने वाले लोग बन जाते हैं। यह सबसे बड़ा फायदा यह सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा इनाम है कि हम अल्लाह ताला के बंदों में शामिल हो जाते हैं वो बंदे जो अल्लाह ताला की बंदगी करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए उनकी जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी थी उनकी जिंदगी अल्लाह व तआला की बंदगी के रंग में रंगी हुई थी अल्लाह ومن احسن من الله صبغه अल्लाह तबारक की बंदगी का रंग किसी पर चढ़े उससे ज्यादा खूबसूरत रंग जिंदगी का नहीं हो सकता उससे ज्यादा खूबसूरत रंग किसी आदमी पर चढ़ नहीं सकता आदमी अपने आप को बंदगी में पूरी तरह से डुबो ले भाइयों हमारी और आपकी दुनिया कामयाब हमारी और आपकी आखिरत कामयाब अगर हम और आप अल्लाह तला की बंदगी करने में कामयाब और दूसरे अल्फाज में जिंदगी को दीनी रंग में गुजारने में कामयाब हो गए तो हम और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे मेरे भाइयों एक तो बुनियादी मकसद है जो हम और आपको हासिल करना ही है और इसके लिए दीनी हम और आप को जीना ही चाहिए लेकिन अगर हम दुनिया के एतबार से देखना चाहें, दुनिया के अंदर इस दीनी जिंदगी के फायदे क्या मिलते हैं तरह तरह के फायदे हैं जो अल्लाह तथा आपके सामने गिनाए एक पहलू तो मैं आपके सामने यह बता दूं देखें अल्लाह तला ने दीन या शरीयत के नाम पे जो अहकाम हम और आपको दिए हैं शरीय इस्लामिया के नाम पे जो दीन हम और आपको अल्लाह ताला ने दिया है इसमें हराम और हलाल नाम की बहुत सारी चीजें आप ये बात याद रखना अल्लाह ने जिस चीज को भी हलाल करार दिया है उसमें हमारा या तो फायदा ही फायदा होगा उसके अंदर खैर ही खैर है या फिर उसके अंदर खैर गालिब है खैर जियादा है तभी अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए वो हलाल करार दिया और अगर हमारी और आपकी जिंदगी में अल्लाह ने किसी चीज को हराम करार दिया है तो ये बात जान लेना कि उस चीज के अंदर हमारे और आपके लिए सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा या फिर नुकसान ज्यादा होगा घर से थोड़ा फायदा हो छोटा सा फायदा नजर आता हो लेकिन उसके अंदर नुकसान ज्यादा होगा तभी अल्लाह तबारको तला ने उसे हराम करार दिया ये बड़ी अहम बात है याद रखना जिस चीज को अल्लाह ने हलाल करार दिया उसमें सिर्फ फायदा है या फायदा बहुत ज्यादा है इसीलिए अल्लाह ने उसे हलाल करार दिया इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे मशरूअ करार दिया उसे अल्लाह ताला ने जायज करार दिया या उसके करने का हम और आपको हुक्म दिया है इसलिए जिंदगी में एक सबक याद रखना जिस काम के करने का हुक्म अल्लाह ताला दे उसमें चाहे कितना ही हम और आपको नुकसान नजर आए इस हकीकत को न भूलना कि अल्लाह ताला ने उसमें फायदा ज्यादा रखा है तभी अल्लाह ने उसे हलाल करार दिया है बहुत सी चीजें ऐसी हैं हलाल है या अल्लाह ने करने का हुक्म दिया फर्ज के दर्जे में करने का हुक्म दिया सुनत के दर्जे में करने का हुक्म दिया आप याद रखो उसमें मशक्कत हो उसमें तकलीफ हो या किसी किसान का नुकसान होता नजर आए चाहे कुछ हो इस हकीकत को याद रखना अल्लाह तला ने उस चीज को फिर भी अगर करने का हुक्म दिया है उसे हलाल करार दिया है उसमें फायदा ज्यादा है तभी अल्लाह ने उसे हलाल करार दिया अब तक इसके बरक्स ऐसा हो सकता है कि एक चीज को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया तो यह भी याद रखना कि उसमें नुकसान ही नुकसान है या फिर फायदा अगर नजर भी आता है तो उसमें नुकसान ज्यादा है तभी अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया इसका दूसरा मतलब यह हुआ भाइयों हलाल को हलाल समझ कर उसको इख्तियार करने में हमारा फायदा ही फायदा है और अगर कोई नुकसान नजर भी आ रहा है तो उसमें फायदा नुकसान से ज्यादा है फायदा ज्यादा है फायदा बड़ा है इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे हलाल करार दिया है और ऐसे ही अल्लाह ने जिस चीज को हराम करार दिया है उसे हराम समझकर उससे बचने ही में हमारा फायदा है जिंदगी गुजारने का यही फायदा है हम आपके सामने फायदे और नुकसान की फहरिस्त रखें अब आप देखें वैक्सीन आया है वैक्सीन में फायदा है कि नुकसान है बहुत सारे लोग अभी तक यह तय ही नहीं कर पाए कि उसके अंदर फायदा ज्यादा है कि नुकसान है एक एक मसला अगर जिंदगी का ऐसे ही आपके सामने खड़ा हो जाए लोग दस फायदे गिनाएं दूसरे दिन दस नुकसान गिनाएं फिर तीसरे दिन वो पंद्रह फायदे तीसरे चौथे दिन वो आके पंद्रह नुकसान गिनाएं और एक दिन आकर एक आदमी बीस फायदे गिनाए दूसरे दिन वो आके बीस नुकसान गिनाए पच्चीस जिंदगी इसी कशमकश में गुजरती रह जाएगी कि इस दुनिया के अंदर मुझे फायदा पहुंचाने वाली चीज क्या है नुकसान पहुंचाने वाली चीज क्या है हम फैसला कैसे कर पाएंगे उल्टा यह परेशानी होगी आज किसी ने समझा दिया हम फायदा है अपना लिया कल किसी ने सुना दिया बड़ा नुकसान है अफसोस हो गया कल तो मैंने वो काम कर लिया किसी ने समझा दिया ये नुकसानदेह चीज है हमने छोड़ दिया कल किसी ने बताया बड़ी मुफीद चीज थी अफसोस हो जाएगा मौका हाथ में था हमने नहीं किया सुबहान अल्लाह ये अल्लाह की नहमत नहीं तो क्या है यह अल्लाह का इनाम और उसका एहसान नहीं तो क्या है कि अल्लाह ने इस फिक्र से बेनियाज कर दिया हमको और आपको बेफिक्र कर दिया कह दिया गया दूसरे अल्फाज में कि तुम यह फिक्र छोड़ दो मैंने जिसे हलाल करार दिया है उसे अपना लो कि उसमें तुम्हारा फायदा ही है और मैंने जिसे हराम करार दिया उसे छोड़ दो कि इसमें तुम्हारा नुकसान ही है भाइयों अल्लाह तबारको तला की दी हुई शरीय ये कोई बोझ नहीं ये हकीकत में अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है बहुत बड़ा इनाम है और बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है इसीलिए याद रखो मेरे भाइयों वो इबादात हो वो मामलात हो वो अखलाक हो वो रोजमर्रा के मामूलात हो वो शादी बिया के मसाइल हो खानदान कबीले के मसाइल हो मियाँ बीवी के मसाइल हो नफ्स के मसाइल हो इंसान की ख्वाहिश दुनिया का कोई मसला क्यों ना हो शरीयत इस्लामिया ने अगर किसी चीज को हलाल करार दिया है पूरे यकीन के साथ अपनाओ इत्मीनान के साथ अपनाओ कि इसमें फायदा ही फायदा है या फिर फायदा बहुत ज्यादा है नुकसान नजर भी आए ये नुकसान थोड़ा है फायदा ज्यादा ही है और जिस चीज को अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया छोड़ दो बाज आ जाओ तर्क कर दो चाहे तुम्हें उसमें कितना ही फायदा नजर आए जैसे सूद है आज सूद लोगों ने यह समझा है सूद के बगैर नुकसान बहुत है सूद में बड़ा फायदा लोगों को नजर आता है याद रखना उसमें नुकसान ज्यादा है तभी अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया है तुम्हारी मेरी नजर चाहे कितना फायदा देख ले, लेकिन सूद में नुकसान ही है इसीलिए इन सारे झमेलों से आजाद होकर दीन की पाबंदी कर लो कि दीन में अल्लाह ताला ने हमारे हमारे लिए फायदा ही फायदा रखा है एक बात दूसरी एक बात इसी सिलसिले की आप ये भी समझे कई बार इस्लामी शरीयत की दी हुई जो तालीमात हैं इस्लामी शरीयत की दिए हुए जो हिदायत हैं उनमें एक मसला यह भी होता है कि इंसान की नज़र वक्ती फायदा देखती इंसान की नज़र दूर रस नहीं होती और अगर कोई बहुत दूर रस निगाह का हामिल हो तब भी अक्सर कुछ चीज़ों के असर इतनी देर से जाहिर होते हैं कि अच्छा खासा अकलमंद भी उनको नहीं पहचान पाता मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं आप उसको समझ जाएंगे दुनिया में आप हमेशा एक हमारे आपके आप बुजुर्गों को नसीहत करते हुए सुनते हैं बच्चों को हम भी नसीहत करते हैं कि बेटा हमेशा सच बोलना सच बोलने में हमेशा फायदा है एक ऐसी बात है जो हम सब अपने बच्चों की तरबियत में कहते हैं बेटा सच बोलना सच बोलने में हमेशा फायदा है आप बताओ क्या सच बोलने में हमेशा फायदा ही है हमेशा फायदा ही है अगर सच बोलने में सिर्फ फायदा होता तो दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलता मसला असल में होता यह है कि सच बोलने में बसा औकात वक्ती तौर पर नुकसान का सामना होता है पहले मरहले में नुकसान हो सकता है या आदमी की नजर में नुकसान नजर आता है इसीलिए तो आदमी झूठ बोलता है लेकिन इस्लामी शरीयत हम और आपको बताती है वक्ती झूठ के मुकाबले में जो फायदा मिलता है उसके मुकाबले में सच बोलकर वक्ती नुकसान भी हो जाए तो जो फायदा बाद में मिलेगा वो इस कदर ज्यादा अजीम है कि उस फायदे की खातिर वक्ती नुकसान भी हो सच बोलो ये नुकसान उठा लो सच बोलो लेकिन एक वक्त ही नुकसान उठा लो मसला क्या बताना चाहता हूं भाई इस्लामी शरीयत के अंदर जो हिकमतें पोशीदा हैं अक्सर हम और आप उसको नहीं समझ पाते और कोताह बीनी की वजह से कोताह नजरी की वजह से हमारी समझ हमारी अकल उनकी हकीकतों को नहीं समझ पाती तो बहुत सारी चीजों को हम नुकसानदेह समझ कर छोड़ देते सच बोलने में फायदा है लोग सच नहीं बोलते जमाने वाले सदाकत का दम तो भरते हैं मगर यह सच है कि सच बोलने में डरते हैं इन दुनिया की सच्चाई है क्यों इसलिए कि हमारा इल्म बड़ा महदूद है हमारी समझ बड़ी महदूद है अमानतदारी में बड़ी ताकत है बड़ा खैर है बड़ी बरकत है लेकिन लोग फिर भी खियानत करते हैं क्यों इसलिए कि उनको लगता है कि अमानतदार होने में नुकसान है खयानत करने में वक्ती फायदा है नहीं आप आजमा कर देखें अमानत दारी का जो खैर है उसकी जो बरकत है वो इस कदर से ज्यादा है कि कभी खियानत के अंदर वो फायदा आपको नहीं मिल सकता भाइयों, मैं जो नुकता आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि दीनी जिंदगी के फायदे को पहचानने का एक तरीका यह भी है कि अक्सर वेशतर हम और आप दीन पर अमल करते हुए जो वक्ती नुकसान नजर आ रहा है उससे धोखे में आ जाते हैं कुर मजीद में अल्लाह तब अ ने बड़ी प्यारी बात कही अल्लाह ने फरमाया खुतिबाई कुमल कर

मसला यह है अल्लाहन तुम ला तमून अल्लाह इल्म वाला है तुम ला इल्म हो ना दान हो ना समझ हो कम इल्म हो जाहिल हो मतलब यह हुआ अपने इल्म अपनी समझ से फैसले करके नफा और नुकसान के पैमाने तय न करो अल्लाह तला की शरीय पर अमल कर लो कि इसमें खैर ही खैर अल्लाह ने रखा है फवाद ही फवायद ही रखे हैं अब अगर तुम्हारी मेरी नजर हम और आपको उस खैर को नहीं देखा पाती है उस खैर को हम और आप नहीं देख पाते ये हमारी कम इलमी है ना समझिए उसकी वजह से यह सब कुछ होता है भाइयों दीनी जिंदगी गुजारने के फायदे क्या हैं और सुन्नत हम और आपको बताते हैं कि अल्लाह तबारक की तरफ से दीनी जिंदगी गुजारने वाले इंसानों की जिंदगी में बड़ा खैर और बड़ी बरकत अल्लाह ताला देता है मैं तफसील में जाना नहीं चाहता आप सिर्फ इस हैसियत से देख लीजिए कि एक मोमिन को अल्लाह तला ने चौबीस घंटों में एक दिन का आप हिसाब ले लीजिए सोने जसोते जागते उठते बैठते चलते फिरते मस्जिद में इबादात में घर में मामलात में बाजार में हती के इस जाते आते हुए सब जो इस्लामी तर्ज जिंदगी इस्लाम ने दिया है उसके फायदे जो अल्लाह के वसल्लम ने अहादीस में बयान किए अगर आप उनको देख लें समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में बरकत ही इसी जिंदगी से आती है आप मिसाल के तौर पर देख लें घर से निकलने वाली दुआ की फजीलतों में से एक फजीलत यह भी आई कि जब बंदा ये दुआ पढ़कर घर से निकलने की दुआ पढ़कर निकलता है तो एक, एक आवाज देने वाला देता है कुफी व वकीता तू बचा लिया गया हर शर से कोई और ही काफी हो गया अल्लाह ताला ने तेरी हिफाजत का इंतजाम कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई बिस्मिल्लाह कह कहकर आदमी कपड़े उतारता है द, द, अपने खिड़कियां बंद करता है आदाब में अल्लाह के नबी नबीम के सिखाए हुए दरवाजा बंद करता है या अल्लाह के नबी ने कहा शैतान ऐसे किसी बर्तन को खोलता नहीं आप और मैं मामूली से एक जिक्र के पाबंद हो जाए कितनी और आपकी जिंदगी में आएगी नमाज फजर के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुबह की नमाज पढ़ लेता है वह अल्लाह तला की जिम्मेदारी में आ जाता है भाइयों मैंने जैसे कहा सिर्फ आप चौबीस घंटे में जो फ हैं और जो मुस्तहब दर्जे के अमाल हैं जो सुन्नतें सबको शामिल करके सुबह से शाम तक चौबीस घंटे का जो रोटीन इस्लामी शरीय का सिखाया हुआ है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला कीजिए और फिर हर अमल का फायदा क्या मिलता है अगर हम और आप देखने लगे आपकी मेरी जिंदगी में इतना खैर इतनी बरकत हम अंदाजा नहीं लगा सकते जब भी वजू टूटे बावजू हो जाए वजू से क्या होगा पता है नबी ने सिर्फ वजू में इतनी इतनी सुना दी दी इतना खैर बरकत गिना कि बंदा सिर्फ वजू करता है आंख से जितने गुना किया है वो वजू करते वक्त गिर जाते हैं आदमी हाथ से वजू करता है वजू में हाथ धुलता है तो हाथों से किए हुए गुना मिट जाते हैं हत्ता के नाखून से नीचे भी हो वो भी निकल आते आप देखते जाएं सुबह से शाम तक की इस्लामी तर्ज पर सिखाई हुई जो जिंदगी उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का फायदा किस कदर से ज्यादा होता है एक लफ्ज में अगर कहें अगर अल्लाह ताला की शरीयत के सिखाए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे सुबह बाबरकत होगी शाम पर बा बरकत होगी हमारे घर में बरकत होगी हमारी तिजारत में बरकत होगी हमारी औलाद में बरकत होगी हमारे रिश्ते नातों में बरकत होगी हमारे और आपके समाज में बरकत होगी गली कूचों मोहल्लों के अंदर वो अल्लाह ताला की बरकतें रहमतें उतरती नजर आएंगी ये जो नहूसतें हैं ये बेबरकती है ये हमारे और आपके घरों के अंदर मसाइल हैं इसकी बुनियाद अगर कोई है यही अल्लाह ताला के दिए हुए दीन को नजरअंदाज करके थोड़ा अपना कर ज्यादा छोड़कर जो, जो जिंदगी हम गुजारते हैं उसी की नुहसत है जो हम और आपको इस दुनिया में नजर आती है भाइयों कुरान मजीद के अंदर इसीलिए तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया जो आयत मैंने इब्तिदा में पढ़ी अल्लाह ने अल्लाह ने यह बात कही ईमान लाने के बाद कोई भी मर्द हो के औरत ईमान लाने के बाद अमल करता है ईमान और अमल करता है दूसरे माने में दीनी जिंदगी गुजारता है अल्लाह ने आखिरत के का वादा किया लेकिन उससे पहले अल्लाह ने कहा फल तय यह जिंदगी बड़ी अच्छी अल्लाह तुजारेगा जिलाएगा अच्छी जिंदगी इस दुनिया के अंदर अल्लाह तला देगा ईमान अगर मुझको और आपको है कुरान की शायद पर अगर मेरा और आपका ईमान है तो फिर इससे ज्यादा बेहतर जिंदगी कोई नहीं हो सकती इसको हम और आपको याद रखना चाहिए हाजिर नहीं गिर दीनी जिंदगी के फायदों में से एक बड़ा फायदा यह भी है कि हम और आप हर किस्म की गुलामी से आजाद हो जाते हैं याद रखना इस हकीकत को देखो इंसान इस दुनिया के अंदर गुलाम ही गुलाम है आप भी गुलाम है मैं भी गुलाम हूं और इस दुनिया का हर आदमी गुलाम हती के वो काफिर वो गैर मुस्लिम हत्या के मुसलमान भी है गुनहगार है शराबी है कबाबी है बदकार है अयाश है फहाश है दुनिया का हर इंसान गुलाम है बस फर्क यह है कि जो मोमिन है मुत्तकी है वो अल्लाह ताला का गुलाम है अल्लाह ताला की गुलामी में जिंदगी गुजार रहा है और जो इंसान अल्लाह की गुलामी से निकलना चाहता है वह फिर या तो अपने नफ्स का गुलाम होता है या फिर इस दुनिया का गुलाम होता है या फिर वो शैतान की गुलामी कर रहा होता है आप ये बात याद रखना गुलामी यहां भी है गुलामी वहां भी है बस ये है कि यहां की गुलामी को आदमी यहां से भागना चाहता है नफ्स ने दुनिया ने और शैतान ने इतनी अय्यारी और मक्कारी से दुनिया वालों को गुलाम बनाया है कि यहां गुलामी से भागकर वहां गुलाम बनकर इंसान फख्र महसूस करता है आज आपको पता है लोग कहते हैं हम आजाद हैं दुनिया में कोई आजाद नहीं है दुनिया में कोई आजाद नहीं जिसम आपके मेरे आजाद होंगे लेकिन आप याद रखें जहनो दिमाग जो होते हैं हमारे और आपकी सोच ही गुलाम है किसी ना किसी की आज आप देखें वो नौजवान जो अपने बाल बनाकर बिगाड़कर जैसे भी अपना लिबास उतार के चढ़ा के बना के जैसे भी चल रहा है वो भी गुलाम है किसका उन फैशन के उन देवों देवताओं देवियों का या फैशन के नाम पे चलने वाले मॉडल या मॉडल्स का सब किसी ना किसी का गुलाम है हर इंसान गुलामी कर रहा है इस दुनिया के अंदर बस फर्क क्या है फर्क यह है कि ईमान वाला समझदार है उसकी गुलामी करता है जिसकी गुलामी इज्जत है जिसकी गुलामी में शान और शौकत है जिसकी गुलामी में नफ्स का सुकून है जिसकी गुलामी में इस दुनिया की शहादत है जिसकी गुलामी में दुनिया का खैर है आखिरत का खैर है जिसकी गुलामी में बरकत ही बरकत है एक मोमिन अक्लमंद होकर उसकी गुलामी करता है उसकी बंदगी में जीता है और उसके मुकाबले में दूसरा इंसान खुद को धेख धोखा देता है मैं आजाद हूं लेकिन खुद अपने नफ्स का गुलाम है इस दुनिया का गुलाम है कभी फैशन का गुलाम है कभी लज्जतों का गुलाम है कभी किसी खौफ का गुलाम है कभी किसी लालच का गुलाम है अल्लाह क्या यह अकलमंदी ना होगी दुनिया की हजार गुलामियों पर एक लात मारो धक्का दो आकर एक इज़्ज़त, एक अल्लाह इज़्ज़त की गुलामी को कबूल कर लो वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात भाइयों अल्लाह के गुलाम बनो अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले बनो कि इसमें इज्जत है शराबत है अल्लाह ताला के अलावा हम सबसे बेनियाज हो जाते हैं न किसी का डर न किसी से लालच ना किसी के सामने झुकने की नौबत न किसी के सामने आजीसी वारी सबका की इज्जत सबका एहतराम करेंगे लेकिन किसी के गुलाम दुनिया के अंदर नहीं बनेंगे अगर वाकई मानों में अल्लाह ताला के गुलाम बन जाएं और जो अल्लाह की गुलामी से कतराता है घबराता है इधर इधर उधर बिदकता है याद रखना वो यहां की गुलामी से निकलकर वहां की गुलामी जरूर करता है भाइयों दीनी जिंदगी के फवाइद में आखिरी बात जो आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं याद रखना इस दुनिया के अंदर शैतान हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इन शैतान अलकुम अदुन फतु अदुआ शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है उसे दुश्मन ही समझो भाइयों अल्लाह की बंदगी का सबसे बड़ा दुनियावी फायदा अगर आप देखना चाहें तो वह यह कि जो जितना अल्लाह तला का गुलाम होता है बंदगी करता है जिस कदर दीनी जिंदगी गुजारता है शैतान के शर से उसके मकर से उससे उसके फरेब से उसके नुकसान से उसी कदर महफूज हो जाता है वह चाहे गुमराही की शक्ल में नुकसान आए बिदात की शकल में शिर की शक्ल में दुनिया की रंगीनियों को फितना बनाकर पेश करने की शक्ल में इंसान के सामने गुमराही किसी भी रास्ते से शैतान लाना चाहे या गुमराही की शक्ल में ना होकर तकलीफों की शकल में हो कि आपको तकलीफ देता है लोगों को परेशानी है ना जिनका असर हो गया जादू हो गया फुला हो गया हर दो किस्म के नुकसान शैतान का मकरो फरेब उसकी गुमराही हो या फिर उसकी तरफ से होने वाली तकलीफें हो

शैतान को किसी किस्म का तसलत और इख्तियार ऐसे लोगों पे बिल्कुल हासिल नहीं होता किन पर परीन अलाम यह तवक्लू जो ईमान वाले तवक्ल वाले हो ऐसे लोगों पर शैतान का बस नहीं चलता उसका इख्तियार नहीं होता सुल्ताना शैतान की पकड़ तो उन उनपे मजबूत होती है तसलुत तो उन उनपे होता है शैतान तो मुसलत उनपे होता है जो जो उससे नजदीकी बढ़ाते हैं उससे कुर्बत इख्तियार करते करते हैं उसे करते हैं उसे करीब या उससे करीब होते हैं वल्लिन हम भी मुशरीकून जो अल्लाह तला के साथ शिर करने वाले होते हैं हाजरी ने गिरामी मुख्तर अल्फाज में अगर हम कहना चाहें यह हमारी और आपकी कम फहमी है ना समझी है हमारी और आपकी कम अकली है हमारी और आपकी कोताह नजरी है हमारी और आपकी नजर का समझ का कसूर है कि दीन में हमें नुकसान नजर आता है दुनिया के फायदे बड़े अजीज नजर आते हैं वरना सच्चाई तो यह है वो दुनिया के फायदे की बात हो या आखिरत के फायदे की बात हो हर दो जगह भलाई इसी में है कि अल्लाह तला के बंदे बनकर जिंदगी गुजारें जिंदगी आमद बरए बंदगी अल्लाह ने यह जिंदगी दी है बंदगी के लिए जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी अगर अल्लाह ताला की बंदगी में न गुजरी तो शिवाय शर्मिंदगी के और कुछ हासिल होने वाला नहीं अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को खातिन को जिंदगी को दीनी रंग में गुजारने की तोफी कता फरमाएं वक्ती फायदे या वक्ती नुकसान के लालच में या डर में मुबतला होकर हकीकी फायदे से महरूम होने वाली गलतियां करने से अल्लाह तला हम और आपकी हिफाजत फरमाए अल्लाह तला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए आमीन व आखिर दावाना उदाना अलहमदुल्लह रब्बिलमीन